हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सैपीज किचन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनाया है। ये सूजी का हलवा नहीं है, ना ही ये मूंग दाल का हलवा है, ना ही किसी और का हलवा है। ये है रस का हलवा, यानी कि टोस्ट जो हम चाय के साथ खाते हैं, इसका हलवा है। ये साउथ का बहुत ही फेमस डिश है और मैंने पहले बना के देखा है तो हमें बहुत पसंद आया था ये, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। ये जो टोस्ट का हलवा है ये बहुत झटपट बन जाता है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये बन हलवा या टोस्ट हलवा बन के तैयार होता है। बन हलवा बनाने के लिए जो सामान हमें लगेगा मैं आपको झटपट बता देती हूँ। ये जो डिश है ये साउथ की बहुत फेमस डिश है। यहाँ पे मैंने लिया है रस्क, जिसे हम टोस्ट भी कहते हैं। आप कोई भी कंपनी का टोस्ट ले लीजिए और इसे आप कोर्सली ग्राइंड कर लीजिए मिक्सी में, और ये एक कटोरी का आपके पास टोस्ट का पाउडर बन जाना चाहिए। ये एक कटोरी हमने तैयार करना है। बन हलवा बनाने के लिए हमें पानी लगेगा, जो हम डबल अमाउंट का ले लेंगे, यानी दो कटोरी गर्म पानी ले लेंगे, बॉइलिंग वाटर। यहाँ पे कुछ नट्स ले लिए हैं मैंने, और आप इसे फाइनली चॉप कर लीजिए। ये इलायची है, और यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून शक्कर ले लिया है, जो आप एडजस्ट कर सकते हैं, और ये 4 टेबल स्पून घी है। हमने सबसे पहले जो हमारा घी है उसे हमने एक नॉनस्टिक कढ़ाई में गरम कर लेना है। जैसे ही घी हमारा थोड़ा गरम हो जाएगा तो हमने जो हमारा रस था यानी कि टोस्ट, उसे इस तरीके से थोड़ा कोर्सली ग्राइंड कर लिया था। ये मैंने कम से कम 8 से 10 टोस्ट लिए थे, जिसको मैंने ग्राइंड करके ऐसे इसमें कुछ ग्रैनुअल्स भी रह जाएंगे तो अच्छा, ये बहुत टेस्टी और क्रंची बनता है। अब इस घी में हम हमारा ये जो टोस्ट का पाउडर्ड फॉर्म है इसे डाल देंगे एक कटोरी का, और इसे अच्छे से भून लेंगे घी में। मुझे इसमें थोड़ा सा घी कम लग रहा है, तो मैं इसमें एक बड़ा चम्मच घी और डाल दूंगी, ताकि जो हमारा ये ब्रेड टोस्ट का हलवा है ये बिल्कुल खस्ता और बिल्कुल अच्छा सा भुन जाए इसमें घी में। हम इस टोस्ट को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि घी में भुनने की स्मेल नहीं आती है या अच्छा सा अरोमा नहीं आता है। हमारा जो टोस्ट है पाउडर टोस्ट, वो घी में अच्छे से भून चुका है। अब इस स्टेज पे आके हम हमारा ये जो चॉप्ड नट्स है इसे डाल देंगे, और ये जो मेरे पास 3 बड़े चम्मच शक्कर है इसे डाल देंगे। शक्कर मैंने थोड़ा मीडियम ही लिया है, अगर आपको थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 1 चम्मच और डाल सकते हैं। अब हम इसे और थोड़ा 2 मिनट भून लेंगे घी में। अब हम इसमें हमारा बॉइलिंग वाटर ले लेंगे, जो डबल अमाउंट का लिया था हमने, मतलब 2 कटोरी। आप इसे चलाते जाइए लगातार, ताकि इसका लंप नहीं बन जाए। इस तरीके से आप हिलाते जाइए कंटिन्यूसली। और देखिए हमारा बन हलवा बन के तैयार हो गया है। इसे आप ब्रेड हलवा भी कह सकते हैं, टोस्ट हलवा भी कह सकते हैं। बहुत ही उम्दा डिश है, बिल्कुल झटपट बन जाती है। देख सकते हैं आपकी पानी भी पूरा सोख लिया और बिल्कुल खिला खिला हलवा बना है। इसमें जो टोस्ट के टुकड़े हैं वो एक अच्छा सा क्रंच दे देता है इस डिश को। इसको अब हम थोड़ा देर रेस्ट होने देंगे। इसको आप इलायची से गार्निश कर लीजिए। मेरे पास ये जो कुटी हुई इलायची है इसको मैं गार्निश कर लूँगी मेरे हलवे में। मैंने मेरा हलवा थोड़ा सा चख लिया था तो मुझे थोड़ी सी शक्कर कम लगी थी, तो मैं अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा शक्कर और डाल दूँगी, लगभग 2 बड़े चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर एडजस्ट कर लीजिए। इसे हम 2 मिनट और पका लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन टोस्ट हलवा, बन हलवा या ब्रेड हलवा बोल सकते हैं, बन के तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी लगता है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, सबको खिलाइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।